फ्रेंड्स वेलकम टू एडिटिक ईडीयू। सिंडिकेट बैंक पीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए मैंने इस वीडियो में फाइनल करंट अफेयर कैप्सूल को डिस्कस किया है। ये मेरा पहला पार्ट है, इसके बाद मैं एक और पार्ट लेके आऊँगा और ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी मंथ के जीके को कवर करने का कोशिश करूँगा। अगर ये चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें एंड हमारे वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। करंट अफेयर है, ब्राजीलियन वर्ल्ड कप विनर रोनाल्डिनो रिटायर्स फ्रॉम फुटबॉल। तो स्पोर्ट्स सेक्शन में खिलाड़ी का नाम, वो किस खेल से एसोसिएटेड है वो, और किस कंट्री से एसोसिएटेड है, तीनों इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इस पहला वाले करंट अफेयर में रोनाल्डिनो किस खेल से एसोसिएटेड है, तो फुटबॉल से है। किस कंट्री से है, तो ब्राजील से है। तो इन्होंने हाल में ही रिटायरमेंट लिया है फुटबॉल से। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर रवाडा, 22 ईयर्स ओल्ड, इज द यंगेस्ट नंबर वन टेस्ट बॉलर। अब रवाडा जो कि 22 साल के उम्र के हैं, उन्होंने वे यंगेस्ट नंबर वन टेस्ट बॉलर बन गए हैं। अभी मैच भी चल रहा है इंडिया साउथ अफ्रीका का, टेस्ट सीरीज चल रहा है। तो साउथ अफ्रीकन पेसर कैगिसो रवाडा, हु रिसेंटली बिकेम द टॉप रैंक्ड बॉलर इन टेस्ट क्रिकेट, इज द यंगेस्ट बॉलर इवर टू टॉप द आईसीसी टेस्ट रैंकिंग फॉर बॉलर्स। तो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग फॉर बॉलर्स में जो है साउथ अफ्रीकन पेसर कैगिसो रवाडा अभी नंबर वन पर हैं और ये सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है आदित्य मेहता विंस कोलकाता ओपन 2018 इंटरनेशनल इनविटेशन स्नूकर चैंपियनशिप। तो कोलकाता ओपन 2018 इंटरनेशनल इनविटेशन स्नूकर चैंपियनशिप के विजेता हैं आदित्य मेहता। तो ये भी याद रखना है कि आदित्य मेहता किस खेल से एसोसिएटेड है, तो ये स्नूकर से है। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है गिल्स साइमन विंस इनॉग्रल टाटा ओपन टाइटल। गिल सैमन ऑफ फ्रांस लिफ्टेड द इनॉग्रल टाटा ओपन महाराष्ट्र टेनिस ट्रॉफी। तो गिल सैमन किस खेल से एसोसिएटेड है, तो टेनिस से है, और गिल सैमन किस कंट्री से एसोसिएटेड है, तो फ्रांस से है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर है स्विट्जरलैंड वॉन हॉपमैन कप टाइटल। तो स्विट्जरलैंड ने थर्ड हॉपमैन कप टाइटल जीत लिया है, और हॉपमैन कप किस खेल से एसोसिएटेड है, तो टेनिस से है। तो ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा कप किस खेल से एसोसिएटेड हो रहता है। फिर हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है मेघालय साइंस होस्ट सिटी कॉन्ट्रैक्ट फॉर 39th नेशनल गेम्स इन 2022। मेघालय साइंस द होस्ट सिटी कॉन्ट्रैक्ट विद द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर होस्टिंग द 39th नेशनल गेम्स इन 2022। तो 2022 में जो नेशनल गेम्स होने वाला है, 39th नेशनल गेम्स होने वाला है, उसके लिए मेघालय ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है जी साथियन बिकम्स इंडियाज हाईएस्ट रैंक्ड प्लेयर इन द लेटेस्ट ITTF रैंकिंग। जी साथियन बिकम्स इंडियाज हाईएस्ट रैंक्ड प्लेयर इन द लेटेस्ट इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन रैंकिंग। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जी साथियन किस खेल से एसोसिएटेड है, तो वो टेनिस से एसोसिएटेड है। किस खेल से जी साथियन एसोसिएटेड है, टेनिस से एसोसिएटेड है, और वे हाईएस्ट रैंक्ड प्लेयर बने हैं अभी ITTF रैंकिंग में। ITTF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है इंडियन गोल्फर शिव कपूर विंस रॉयल कप एट पटाया। इंडियन गोल्फर शिव कपूर वॉन द रॉयल कप एट पटाया विच इज द थर्ड एशियन टूर टाइटल ऑफ 2017। तो यहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है वो देखिए। शिव कपूर किस खेल से एसोसिएटेड है, तो पहला गोल्फ से एसोसिएटेड है। रॉयल कप किस खेल से एसोसिएटेड है, तो रॉयल कप हमारा गोल्फ से एसोसिएटेड है, ठीक। और इंडियन गोल्फर ने अभी रॉयल कप कहाँ जीता है, तो पटाया में जीता है। करंट अफेयर है विदर्भ डिफीट्स दिल्ली टू विन रणजी ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम। विदर्भ हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द रणजी ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री विद अ थंपिंग 9 विकेट्स विन ओवर दिल्ली एट द होलकर स्टेडियम इन इंदौर। तो यहाँ से दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला, रणजी ट्रॉफी के जो विनर बने हैं वो है विदर्भ, ठीक है, किसको हराया, तो दिल्ली को हराया। और एक हमारा स्ट्रेटेजी बन सकता है कि होलकर स्टेडियम कहाँ है, तो इंदौर में है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है IPS क्लर्क मेंस के हिसाब से। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है विश्वनाथन आनंद विंस वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप। तो इंडियाज एस चेस प्लेयर विश्वनाथन आनंद वन द वर्ल्ड रैपिड चेस टूर्नामेंट टाइटल इन सऊदी अरबिया। तो वर्ल्ड रैपिड चेस टूर्नामेंट का टाइटल जीता है विश्वनाथन आनंद, जो कि चेस प्लेयर है और वो इंडिया से खेलते हैं। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है अनिशा विंस ओमेन 25 मीटर पिस्टल विथ न्यू नेशनल रिकॉर्ड। हरियाणा शूटर अनिशा सैयद वॉन द वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल गोल्ड विथ अ न्यू रिकॉर्ड एट द ऑनगोइंग 61 नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कंपटीशन इन तिरुवनंतपुरम केरला। तो अनिशा
फुल अनिशा सैयद जो कि हरियाणा की शूटर हैं, उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है 25th मीटर पिस्टल में, कहाँ तो 61st नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कंपटीशन में जो कि हो रहा है तिरुवनंतपुरम केरला में। नेक्स्ट हमारा कंट्री है सऊदी अरबिया होस्ट वर्ल्ड चेस गेम्स। सऊदी अरबिया होस्टिंग ए वर्ल्ड चेस टूर्नामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो पहली बार सऊदी अरबिया ने वर्ल्ड चेस टूर्नामेंट को होस्ट किया है। करंट अफेयर है बर्मिंगम टू होस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2022, 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है उसे होस्ट करेंगे बर्मिंगम सिटी। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है लायनेल मेसी वॉन ला लीगा बेस्ट प्लेयर अवार्ड। तो लायनेल मेसी जो बार्सिलोना के स्टार फॉरवर्ड हैं उन्होंने ला लीगा बेस्ट प्लेयर अवार्ड जीता है 2016-17 के लिए। तो यह ध्यान रखना है लायनेल मेसी फुटबॉल्स खेलते हैं और वो बार्सिलोना की तरफ से खेलते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है सुशील कुमार क्लिंचेस गोल्ड एट कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप। डबल ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार क्लिंच द गोल्ड एट कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप इन साउथ अफ्रीका। तो सुशील कुमार ने रेसलिंग में कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। तो सुशील कुमार किस खेल से एसोसिएटेड है, रेसलिंग से एसोसिएटेड है, रेसलर है, ठीक है। और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप कहाँ हो रहा हुआ, तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका। कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है फीफा बैंस हेड ऑफ ब्राजीलियन फुटबॉल फेडरेशन। फीफा सस्पेंडेड द हेड ऑफ ब्राजीलियन फुटबॉल फेडरेशन मार्को पोलो डी नेरो फॉर 90 डेज ओवर अ ब्रीच ऑफ इट्स रूल्स। तो फीफा ने किस फुटबॉल फेडरेशन के हेड को अभी सस्पेंड किया है, तो ब्राजील के फुटबॉल फेडरेशन के हेड को सस्पेंड किया है और वो कौन थे, तो मार्को पोलो डी डेल नेरो। ये नाम याद रखिएगा, मार्को पोलो डेल नेरो जो ब्राजीलियन फुटबॉल फेडरेशन के हेड थे उन्हें फीफा ने अभी बैन किया है 90 डेज के लिए। करंट अफेयर है ऑफिशियल एम्बलम फॉर बीजिंग 2022 विंटर गेम्स अनवील्ड। द एम्बलम्स ऑफ बीजिंग 2022 ओलंपिक एंड पैरालंपिक विंटर गेम्स हैव बीन नेम्ड विंटर ड्रीम एंड फ्लाइट रिस्पेक्टिवली। तो 2022 का जो बीजिंग ओलंपिक होने वाला है उसका एम्बलम का अनाउंसमेंट हो गया है और ओलंपिक और पैरालंपिक विंटर गेम्स के लिए जो है विंटर ड्रीम एंड फ्लाइट। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है माइकल जॉर्डन इज द वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट ऑफ ऑल टाइम। इन द लेटेस्ट लिस्ट रिलीज्ड बाय फोर्ब्स माइकल जॉर्डन नेम्ड एज द हाईएस्ट पेड एथलीट ऑफ ऑल टाइम। तो माइकल जॉर्डन को हाईएस्ट पेड एथलीट ऑल द टाइम के रूप में फोर्ब्स के अनुसार लिस्ट जारी किया गया जिसमें माइकल जॉर्डन बने हैं हाईएस्ट पेड एथलीट ऑफ ऑल द टाइम। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है बीसीसीआई लिफ्ट्स बैन ऑन राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन। तो बीसीसीआई ने अभी हाल में ही राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से अपना बैन हटा लिया है। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है इंडिया बिकम्स फर्स्ट इवर टीम टू रजिस्टर 130 प्लस ओडीआईज टोटल। तो इंडिया पहला टीम बन गया है जो कि 300 प्लस टोटल जो है 100 टाइम्स ओडीआई में अचीव किया है। ये पहला टीम बन गया है जिसने 300 प्लस टोटल 100 टाइम्स ओडीआई में अचीव करने वाला पहला देश इंडिया बन गया है। करंट अफेयर है ऑस्ट्रेलिया बीट्स अर्जेंटीना टू विन गोल्ड इन हॉकी वर्ल्ड लीग फाइनल। तो हॉकी वर्ल्ड लीग फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने अर्जेंटीना को हरा दिया है। कितने स्तर आया, तो 2-1 से हराया है। और एक यहाँ से स्टैटिक क्वेश्चन बनेगा, कलिंगा स्टेडियम कहाँ है हमारा, भुवनेश्वर उड़ीसा में। कलिंगा स्टेडियम कहाँ है हमारा, भुवनेश्वर उड़ीसा में। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है कि इंडिया बीट जर्मनी विन ब्रॉन्ज एट हॉकी वर्ल्ड कप लीग फाइनल। हॉकी वर्ल्ड कप लीग फाइनल में इंडिया ने जर्मनी को हरा के ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कितने से हराया, तो 2-1 से हराया। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है पंकज अडवाणी सिक्योर्स आईबीएसएफ वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल। पंकज अडवाणी ग्रैप्ड द टाइटल ऑफ आईबीएसएफ वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप एट अल अरेबिया स्पोर्ट्स क्लब इन दोहा कतर। तो पंकज अडवाणी ने आईबीएसएफ वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल जीत लिया है और कहाँ, तो अल अरेबिया स्पोर्ट्स क्लब दोहा कतर में। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है सेरेना वल्टेरी वोटास विंस अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स। तो वल्टेरी वोटास वॉन अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है बेसल टू बिकम फर्स्ट सिटी टू ज्वाइंटली होस्ट बैडमिंटन एंड पारा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप इन 2019। बेसल पहला सिटी बना है जो ज्वाइंटली होस्ट करेगा बैडमिंटन एंड पारा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप इन 2019। तो बैडमिंटन एंड पारा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 में कहाँ होगा, तो वो होगा बेसल सिटी में, बेसल में। स्कीम जो करंट स्कीम लॉन्च किया गया गवर्नमेंट के द्वारा वो यहाँ डिस्कस किया गया है। इसमें हमारा पहला है प्रोजेक्ट दर्पण लॉन्च्ड टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ द रूरल इंडिया
The Union Ministry of Communication has launched Project Darpan. Darpan ka full form hai The Digital Advancement of Rural Post Office for a New India. It is an IT modernization project that aims to realizing financial inclusion of unbanked rural populations. To scheme se do tarah ka sawal puche jata hai. Pehla, kaun sa scheme launch hua aur kaun sa ministry ne ise launch kiya. To Project Darpan ko launch kiya Union Ministry of Communication ne. और दर्पण का फुल फॉर्म है डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया. फिर हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है MEA लॉन्चेज प्रोग्राम समीप टू इंक्लूड स्टूडेंट इन द फॉरेन पॉलिसी. द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज लॉन्च्ड समीप. समीप का फुल फॉर्म है स्टूडेंट एंड MEA इंगेजमेंट प्रोग्राम. तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि समीप जो एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा इसे लॉन्च किया गया. और समीप किस चीज के लिए है तो स्टूडेंट्स को इंक्लूड किया गया है फॉरेन पॉलिसी में इसके लिए ये प्रोग्राम है. समीप का फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स एंड MEA इंगेजमेंट प्रोग्राम. नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स है गवर्नमेंट लॉन्चेज गंगा ग्राम प्रोजेक्ट. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन हैज लॉन्च्ड गंगा ग्राम प्रोजेक्ट एज द गंगा ग्राम स्वच्छता सम्मेलन इन न्यू दिल्ली. The project has been launched under the Clean Ganga program, also known as Namami Gange program. तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि कौन सा मिनिस्ट्री ने गंगा ग्राम प्रोजेक्ट को लॉन्च किया. तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने गंगा ग्राम को प्रोजेक्ट को लॉन्च किया. कहाँ लॉन्च किया तो गंगा ग्राम स्वच्छता सम्मेलन जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था यहाँ गंगा ग्राम प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया. किस प्रोग्राम के तहत इसे लॉन्च किया गया तो नमामि गंगे प्रोग्राम था इसके तहत इसे लॉन्च किया गया. नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर प्रेसिडेंट इनोग्रेट्स फाइबर ग्रिड प्रोजेक्ट. प्रेसिडेंट रामनाथ गोविंद हैज इनोग्रेटेड द आंध्र प्रदेश फाइबर ग्रिड प्रोजेक्ट. द प्रोजेक्ट एम टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस टू एवरी हाउस होल्ड इन द स्टेट एट अ नॉमिनल रेट. तो यहाँ से दो सवाल बनेंगे. पहला फाइबर ग्रिड प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया तो आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया. और फाइबर ग्रिड प्रोजेक्ट है क्या तो ये एक प्रोजेक्ट है जो कि प्रोवाइड करेगा अफोर्डेबल हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस to every household in the state at a nominal rate. तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ऐसा प्रोजेक्ट जो हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगा वो प्रोजेक्ट का नाम क्या है तो फाइबर ग्रिड प्रोजेक्ट उसका नाम है. और किस स्टेट में लॉन्च किया गया तो आंध्र प्रदेश में इसे लॉन्च किया गया. स्ट्राइप प्रोजेक्ट. इंडिया हैज साइन फाइनेंशियल एग्रीमेंट विथ द वर्ल्ड बैंक फॉर द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन क्रेडिट ऑफ $125 million फॉर स्किल स्ट्रेंथनिंग एंड फॉर द इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन प्रोजेक्ट. तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है स्ट्राइप का फुल फॉर्म. स्ट्राइप का फुल फॉर्म है स्किल स्ट्रेंथनिंग एंड फॉर द इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन. किसके साथ इंडिया ने टाइप किया है तो वर्ल्ड बैंक के साथ टाइप किया है. कितने का तो $125 million का क्रेडिट के लिए टाइप किया गया. ये भी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है CCEA अप्रूव्स जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट. The Cabinet Committee on Economic Affairs CCEA has given approval to implement Jal Marg Vikas project which aims to enhance the navigational capacity of 1380 km Haldia Varanasi stretch of national waterway one on the Ganga river. To yahan se do teen question ban sakta hai. Pehla Jal Marg Vikas project kis river se associated hai to ye hamara Ganga river se associated hai. Dusra question pucha ja sakta hai ki name the project which aim to enhance the navigational capacity. ऐसा प्रोजेक्ट बताइए जिसका एम है navigational capacity को enhance करना. तो हमारा आंसर होगा जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट. ठीक है. और जो नेशनल वाटर हाईवे वाटरवे है हमारा वह है हल्दिया टू वाराणसी जो कि 1380 किलोमीटर का है. 1380 किलोमीटर का है हल्दिया वाराणसी नेशनल वाटरवे. फिर हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है यूपी गवर्नमेंट टू सेटअप काउ सेंचुरीज इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स. तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा सकता है कि किस गवर्नमेंट ने अभी हाल में लॉन्च किया है काउ सेंचुरीज. तो हमारा आंसर होगा यूपी गवर्नमेंट. कितने डिस्ट्रिक्ट के लिए तो 75 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए. नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्चेस प्रकाश है तो विकास है स्कीम. तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा सकता है कि किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है स्कीम प्रकाश है तो विकास है. तो हमारा आंसर होगा उत्तर प्रदेश. ठीक है. और ये प्रकाश से विकास से स्कीम क्या है तो फ्री हाउस होल्ड पावर कनेक्शन स्कीम है. ये इंपॉर्टेंट इसको ध्यान रखिएगा कि प्रकाश है तो विकास से स्कीम क्या है फ्री हाउस होल्ड पावर कनेक्शन स्कीम है जो कि उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया. जो करंट अफेयर का सेक्शन है वह समिट का.
जिसे पहला करंट अफेयर हमारा है इंडिया विल होस्ट द WTO मेंबर कंट्रीज मीटिंग ऑन फूड सिक्योरिटी। जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स का जो फूड सिक्योरिटी पर जो मीटिंग होने वाला है वो कौन कंट्री होस्ट करेगा, तो वो इंडिया होस्ट करेगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन समिट हेल्ड इन हैदराबाद। इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन का समिट कहाँ हुआ, तो हैदराबाद में हुआ, ठीक है, जिसको इनोग्रेट किया गया प्रेसिडेंट रामनाथ गोविंद के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा। एक है आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी, ये एक स्टैटिक जीके हो सकता है कि आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी कहाँ है, हैदराबाद में है। यहीं पर जो है ये इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन समिट हुआ। तो यहाँ से तीन क्वेश्चन बन सकता है। पहला, इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन समिट कहाँ हुआ, हैदराबाद में हुआ। इस समिट का उद्घाटन किया प्रेसिडेंट रामनाथ गोविंद जी ने। और नेक्स्ट हमारा है आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी कहाँ है, हैदराबाद में। फिर हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस एट कोलकाता। जो 70th एडिशन हुआ इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का वो हुआ जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता में। तो यहाँ से स्टैटिक जीके बन सकता है जादवपुर यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो कोलकाता में। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है 18th ऑल इंडिया व्हिप्स कॉन्फ्रेंस। यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर आनंद कुमार इनोग्रेटेड द 18th एडिशन ऑफ ऑल इंडिया व्हिप्स कॉन्फ्रेंस इन उदयपुर ऑन 8th जनवरी। तो हमारा यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि 18th ऑल इंडिया व्हिप्स कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ, तो उदयपुर में हुआ, ठीक है। और इसको इनोग्रेट किन्होंने किया, तो यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर मिस्टर आनंद कुमार। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि अभी यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, तो आनंद कुमार है। और ऑल इंडिया व्हिप्स कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ, तो उदयपुर में हुआ। करंट अफेयर है 4th एशियन इंडियन इंडिया मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो 4th एडिशन ऑफ एशियन इंडिया मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि 4th एशियन इंडिया मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री कहाँ हुआ, तो न्यू दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है 4th इंटरनेशनल धर्मा धम्मा कॉन्फ्रेंस इन नालंदा। प्रेसिडेंट रामनाथ गोविंद हैज इनोग्रेटेड द 4th इंटरनेशनल धर्मा धम्मा कॉन्फ्रेंस ऑन स्टेट एंड सोशल ऑर्डर इन धर्मा धम्मा ट्रेडिशंस इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार। तो 4th इंटरनेशनल धर्मा धम्मा कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ, नालंदा में हुआ। और नालंदा किस कहाँ है, तो बिहार में है। यहाँ एक स्टैटिक जीके बन सकता है कि नालंदा पहले एक नालंदा यूनिवर्सिटी था एंशियंट टाइम में, वो बिहार में है। यहाँ से ये ध्यान रखिएगा, नालंदा से नालंदा यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है प्रेसिडेंट इनोग्रेट्स इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कॉन्क्लेव। प्रेसिडेंट रामनाथ गोविंद हैज इनोग्रेटेड द इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कॉन्क्लेव इन महाराष्ट्र। तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कॉन्क्लेव कहाँ हुआ, तो महाराष्ट्र में हुआ। यहाँ जाए क्वेश्चन बनेगा हमारा ये। फिर हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है 3rd मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ ट्रेड डेवलपमेंट एंड प्रमोशन इन न्यू दिल्ली। 3rd मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ ट्रेड डेवलपमेंट एंड प्रमोशन CTDP वाज रिसेंटली हेल्ड इन न्यू दिल्ली। इट वाज चेयर्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री सुरेश प्रभु। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकता है। पहला कि 3rd मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ ट्रेड डेवलपमेंट एंड प्रमोशन कहाँ हुआ, तो न्यू दिल्ली में हुआ। और अभी प्रेजेंट के यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री कौन है, तो सुरेश प्रभु है। करंट अफेयर सेक्शन है वो है डिफेंस का, जिसमें हमारा पहला करंट अफेयर है इंडिया मालदीव्स बायलैटरल एक्सरसाइज इक्विवेरिंग 2017 हेल्ड इन कर्नाटका। तो जब भी एक्सरसाइज की का करंट अफेयर हमारा जो सवाल पूछा जाता है एक्सरसाइज से, वो दो तीन तरह से सवाल पूछा जाता है। पहला कि जैसे पूछेगा यहाँ से इंडिया एंड मालदीव का एक्सरसाइज का नाम बताइए, तो होगा इक्विवेरिंग 2017। ये पूछा जाता है इक्विवेरिंग 2017 किस कंट्री के बीच एक्सरसाइज हुआ, तो ये हमारा होगा इंडिया एंड मालदीव। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है ये कहाँ हुआ, तो कर्नाटका में हुआ। इस तरह से तीन तरह सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है INS कलवरी इंडक्टेड इन इंडियन नेवी। इंडिया फर्स्ट स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS कलवरी वॉज इंडक्टेड इन टू द इंडियन नेवी इन मुंबई महाराष्ट्र। तो यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इंडिया का फर्स्ट स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन कौन है, तो हमारा आंसर होगा INS कलवरी। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है इंडिया ओमान ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज नसीम अल बहर 2017। तो यहाँ से फिर वही दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला इंडिया ओमान ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज का नाम बताइए, तो नसीम अल बहर 2017 होगा। और ये कहाँ हुआ, तो ये हमारा हुआ बिन सुल्तान नेवल बेस इन ओमान। तो यहाँ से एक स्टैटिक जीके बनता है कि बिन सुल्तान नेवल बेस कहाँ है, तो ओमान में है, ठीक है। और इंडिया और ओमान के बीच का ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज का नाम हुआ नसीम अल बहर 2017। फिर हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है डिफेंस इनोवेशन सेंटर इज टू बी एस्टेब्लिश इन कोयम्बटूर। तो गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेट अप अ डिफेंस इनोवेशन सेंटर इन कोयम्बटूर। तो गवर्नमेंट
कोयम्बटूर में एक डिफेंस इनोवेशन सेंटर को स्टेब्लिश करने जा रहा है, तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि डिफेंस इनोवेशन सेंटर कहाँ पर स्टेब्लिश होगा, तो कोयम्बटूर में होगा, ठीक है। और कितने का फंड दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो 20 करोड़ का फंड दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। द डिफेंस मिनिस्ट्री विल प्रोवाइड इनिशियल फंडिंग ऑफ रुपीज 20 करोड़ टू द कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन टू सेटअप द इनोवेशन सेंटर। तो ये भी पूछा जा सकता है कितने करोड़ का इनिशियल फंडिंग दिया जा रहा है, तो 20 करोड़ का इनिशियल फंडिंग दिया जा रहा है डिफेंस इनोवेशन सेंटर को स्टेब्लिश करने के लिए, कहाँ, तो कोयम्बटूर में। अफेयर का सेक्शन हुआ फेस्टिवल का, हमारा पहला अफेयर है लॉसर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन लद्दाख। द 10th डे लॉन्ग ट्रेडिशनल लॉसर फेस्टिवल हैज बीन स्टार्टेड इन लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू मार्क द बिगनिंग ऑफ न्यू ईयर इन द हिमालयन रीजन। लॉसर इज अ तिब्बतियन वर्ड फॉर न्यू ईयर। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो स्ट्रेटेजी के पूछा जा सकता है कि लॉसर फेस्टिवल किस हमारा स्टेट को बिलोंग करता है, हमारा बिलोंग करता है जम्मू एंड कश्मीर को, लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को। फिर हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है ओला सनबर्न फेस्टिवल इन पुणे। इंडियाज लेजेंडरी म्यूजिक फेस्टिवल सनबर्न विल बी होस्टेड बाय पुणे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओला सनबर्न फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, तो पुणे में मनाया गया। और ये ओला सनबर्न फेस्टिवल जो है हमारा वो किस तरह का है, तो एक म्यूजिक फेस्टिवल है हमारा, सनबर्न जो है एक म्यूजिक फेस्टिवल है। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स है फ्लेमिंगो फेस्टिवल इन आंध्र प्रदेश। फ्लेमिंगो फेस्टिवल वॉज रिसेंटली ऑर्गेनाइज एट पोलिकत लेक एंड नेलपट्टू बर्ड सेंचुरी इन आंध्र प्रदेश। तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, आंध्र प्रदेश में मनाया गया, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। दूसरा दो स्ट्रेटेजी के हमारा यहाँ पर, पहला कि पुलिकत लेक कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है, और दूसरा हमारा नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। ये दोनों करंट अफेयर दोनों स्ट्रेटेजी के हैं आंध्र प्रदेश के लिए। करंट अफेयर का सेक्शन है वह साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें हमारा पहला करंट अफेयर है चाइना सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स फर्स्ट फोटोवोल्टेइक रोड। China has become second country in the world to construct a photovoltaic highway after France. अब यहाँ से दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहला कि पहला photovoltaic highway किस कंट्री ने बनाया, था फ्रांस ने, और दूसरा बनाया चाइना ने, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो है नासा टू लॉन्च डब्ल्यू फर्स्ट इन 2020। डब्ल्यू फर्स्ट जो है हमारा वो है वाइड फील्ड इंफ्रारेड टेलीस्कोप, जिसके यहाँ टू टी छूट गया, डब्ल्यू आर आई एस टी, सॉरी यहाँ टी छूट गया, यहाँ टी डाल लीजिए, ठीक है। नासा इज गोइंग टू लॉन्च द वाइड फील्ड इंफ्रारेड टेलीस्कोप, दिस टेलीस्कोप विल बी लॉन्च इन 2020। तो 2020 में नासा जो है एक टेलीस्कोप लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम है वाइड फील्ड इंफ्रारेड टेलीस्कोप, और शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं डब्ल्यू फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है इंडियाज फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष अनविल्ड। इंडियाज फास्टेस्ट एंड फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर नेम्ड प्रत्यूष, जिसका मीनिंग होता है सन, हैज बीन रिसेंटली अनवील्ड एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM इन पुणे। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनेगा, पहला बनेगा ये कि इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर का नाम अभी जो नया रिसेंटली अनवील्ड हुआ है वो है प्रत्यूष। दूसरा कहाँ हुआ, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी हुआ, जो कि पुणे में स्थित है, IITM जो कि पुणे में स्थित है। ये हमारा स्ट्रेटेजी की हो जाएगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी कहाँ है, तो पुणे। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है इसरो लॉन्चेज इट्स 100th सैटेलाइट इन टू स्पेस। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड वेदर ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कार्टोसैट 2 इन टू स्पेस। तो याद रखिएगा कार्टोसैट 2 क्या है हमारा, एक वेदर ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, और इसरो ने अभी 100 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है स्पेस में। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और हमारा कार्टोसैट 2 क्या है, वेदर ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो सेक्शन है हमारा वो है ऑबिचुअरीज का, जिसमें हमारा पहला करंट अफेयर है ब्रूस मैक कैंडलेस फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई अनथेटर्ड इन स्पेस पासेस अवे। नासा एस्ट्रोनॉट ब्रूस मैक कैंडलेस द फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई फ्रीली एंड अनथेटर्ड इन स्पेस हैज डाइड एट द एज ऑफ 80। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछा जाता है पहला कि ब्रूस मैक कैंडलेस जो थे वो कौन थे, तो वो एक नासा एस्ट्रोनॉट थे, वो पहले पर्सन थे जो फ्लाई फ्रीली किए थे स्पेस में। फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर हुआ एक्टर हेदर मेंजाइस यूरिच डाइज। एक्टर हेदर मेंजाइस यूरिच वेल नोन फॉर हिज रोल इन 1965 ऑस्कर विनिंग फिल्म द साउंड ऑफ म्यूजिक हैज डाइड एट द एज ऑफ 68। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेदर मेंजाइस यूरिच किस फील्ड से एसोसिएटेड थे, तो वो एक एक्टर थे।
नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है अशोक मट्टो पासिस अवे. वेटरन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर अशोक मट्टो हैज पास अवे एट द एज ऑफ 75. यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक मट्टो किस फील्ड से एसोसिएटेड थे. वो एक स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर. नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है बंगाली एक्टर पर्थ मुखोपाध्याय पासिस अवे. वेटरन बंगाली एक्टर पर्थ मुखोपाध्याय हैज पासिस अवे एट द एज ऑफ 80. तो पर्थ मुखोपाध्याय किस फील्ड से एसोसिएटेड थे, वो एक बंगाली एक्टर थे. नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है राधा विश्वनाथ पास्ड अवे. तो रिनाउंड कर्नाटिक सिंगर राधा विश्वनाथन हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 83. तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है राधा विश्वनाथन किस फील्ड से एसोसिएटेड थे, तो वो थे कर्नाटिक सिंगर थे. किस फील्ड से एसोसिएटेड थे, वो एक सिंगर थे और वो एक कर्नाटिक सिंगर थे. जो पहला करंट अफेयर है वह एक्ट्रेस काजोल नेम्ड एडवोकेसी एम्बेसडर फॉर स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत इनिशिएटिव. एक्ट्रेस काजोल हैज बिकम एन एडोसिव एम्बेसडर फॉर ए स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत इनिशिएटिव. तो स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत इनिशिएटिव के लिए एक्ट्रेस काजोल को एम्बेसडर बनाया गया है. नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है वीजे मैथ्यू अपॉइंटेड एज मेरी टाइम बोर्ड चेयरमैन. वीजे मैथ्यू वॉज अपॉइंटेड एज मेरी टाइम बोर्ड चेयरमैन. तो वीजे मैथ्यू को मेरी टाइम बोर्ड चेयरमैन नियुक्त किया गया है. नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है इंडियन ओरिजिन बिजनेसमैन सन्नी वर्गीज अपॉइंटेड एज WBCSD चेयरमैन. सिंगापुर बेस्ड इंडियन ओरिजिन बिजनेसमैन सन्नी वर्गीज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ जेनेवा बेस्ड वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो WBCSD के नए चेयरमैन बनाए गए हैं सन्नी वर्गीज जो इंडियन ओरिजिन बिजनेसमैन है. WBCSD का फुल फॉर्म है वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है विजय केशव गोखले अपॉइंटेड एज फॉरेन सेक्रेटरी. सीनियर डिप्लोमैट विजय केशव गोखले हैज बीन अपॉइंटेड फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया. तो जो फॉरेन सेक्रेटरी नए बनाए गए हैं वह है विजय केशव गोखले. नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है विनय सहस्रबुद्धे नेम्ड एज ICCR चीफ. तो विनय सहस्रबुद्धे को बनाया गया है नया ICCR चीफ. ICCR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन, ये ध्यान रखिएगा. करंट अफेयर है जयराम ठाकुर टुक ओथ एज सिक्स्थ CM ऑफ हिमाचल प्रदेश. सीनियर बीजेपी लीडर जयराम ठाकुर टुक ओथ एज सिक्स्थ CM ऑफ हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश के नए CM बने हैं जयराम ठाकुर जो कि सीनियर मोस्ट लीडर है बीजेपी के. नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है एम सुब्बा रायडू अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ पेरू. श्री एम सुब्बा रायडू प्रेजेंटली ज्वाइंट सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ पेरू. तो नए एम्बेसडर होंगे रिपब्लिक ऑफ पेरू के वह एम सुब्बा रायडू. नेक्स्ट हमारा विजय रूपानी रिमेन्स गुजरात चीफ मिनिस्टर एंड नितिन पटेल हिज डिप्टी. तो विजय रूपानी फिर से गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने हैं और नितिन पटेल डिप्टी चीफ मिनिस्टर. फिर हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है जस्टिस UD साल्वी अपॉइंटेड ऑफिशिएटिंग चीफ ऑफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल. द यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंटेड जस्टिस UD साल्वी एज ऑफिशिएटिंग चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल. तो NGT शॉर्ट टर्म में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को हम लोग NGT बोलते हैं. NGT के नए ऑफिशिएटिंग चेयरपर्सन है जस्टिस UD साल्वी. नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है धम्मापिया इलेक्टेड एज न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ IBC. बुद्धिस्ट मॉन्ग धम्मापिया फ्रॉम त्रिपुरा इलेक्टेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन. तो IBC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, जिसके नए सेक्रेटरी जनरल बने हैं बुद्धिस्ट मॉन्ग धम्मापिया. हमारा करंट अफेयर है नकुल चोपड़ा इलेक्टेड एज बार्क इंडिया चेयरमैन. नकुल चोपड़ा प्रेसिडेंट ऑफ AAAI एंड सीनियर एडवाइजर पब्लिक कम्युनिकेशन इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ बार्क इंडिया. बार्क इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं नकुल चोपड़ा. नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है उमा शंकर अपॉइंटेड एज RBI एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. उमा शंकर को अपॉइंट किया गया है RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है सर्वेश तिवारी अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट पारा स्पोर्ट्स फाउंडेशन. पारा स्पोर्ट्स फाउंडेशन के नए प्रेसिडेंट बने हैं सर्वेश तिवारी. पारा स्पोर्ट्स फाउंडेशन के नए प्रेसिडेंट बने हैं सर्वेश तिवारी. नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है अजहर AH खान अपॉइंटेड नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू तुर्कमेनिस्तान.
अजहर एएच खान को अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है ए सूर्य प्रकाश रीअपॉइंटेड प्रसार भारती चीफ। प्रसार भारती चीफ के चेयरपर्सन हैं, फिर से रीअपॉइंट किए गए हैं ए सूर्य प्रकाश जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, ये भी ध्यान रखिएगा कि वो जर्नलिस्ट हैं। ए सूर्य प्रकाश जो कि जर्नलिस्ट हैं उन्हें प्रसार भारती बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है फिर से। करंट अफेयर है इमर्सन नानगवा टू बी स्वॉर्न इन एज जिम्बाब्वेज न्यू प्रेसिडेंट। जिम्बाब्वेज फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट इमर्सन नानगवा विल बी स्वॉर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है विजय प्रसाद दिमरी अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ 36th इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस। तो 36th इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस के प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं विजय प्रसाद डिमरी। विजय प्रकाश डिमरी को 36th इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है कैनिथ जस्टर स्वर्न इन एज न्यू यूएस एम्बेसडर टू इंडिया। कैनिथ जस्टर को न्यू यूएस एम्बेसडर बनाया गया है इंडिया के लिए। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है अजय बिसेरिया नेम्ड इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान। अजय बिसेरिया जो कि नए हाई कमिश्नर होंगे पाकिस्तान के लिए इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है विक्रम सिंह अपॉइंटेड प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट। रेलवे ऑफिसर विक्रम सिंह वाज अपॉइंटेड प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट रामनाथ गोविंद। तो विक्रम सिंह को प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट के। तो विक्रम सिंह प्रेसिडेंट के प्राइवेट सेक्रेटरी होंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कॉमेंट करें, हमें शेयर करें एंड हमें लाइक करें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।